एक बार की बात है, मैं यशोदा सुबह सोकर के उठी हैं कि कम से कम 50 गोपियां सुबह सुबह 5 बजे दरवाजे खटका, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो। मैया ने दरवाजे खोले, क्या बात है गोपियों, इतनी सुबह सुबह कैसे पधारी। गोपियां कहती, अरे मैया तुमको नहीं पता, तुम भूल गई। मैया बोली, क्या भूल गई, क्या पता होना चाहिए था। गोपियां बोली, अरे मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो, आज लाला का जन्म दिवस है, आज लाला की वर्षगांठ है, आज रोहिणी नक्षत्र है, भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, आज ही के दिन तो लाला आयो। अब मैया ने जैसी सुना कि बताओ मैं मेरे लाला के प्रथम जन्मदिन को भूल गई। वेद व्यास जी लिख रहे, कदाचिद उत्थान कौतुका प्लवे जन्म रक्ष योगेशम वेत योषिताम। यशोदा मैया आश्चर्य में पड़ गई, कदाचिद, कब आश्चर्य में पड़ गई, जन्म रक्ष योगे, जिस दिन भगवान का जन्मदिन उस दिन आश्चर्य में पड़ी। और फिर मैया ने जब गोपियों की बातें सुनी तो मैया कहती, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख के समय बर्बाद मत करो, जाओ जाओ जाओ। गोपियां बोली, क्या करना है, कहा जाओ बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, बाजे बजवाओ, क्या करो, बाजे बजवाओ, बादित्र गीत, गीत गवाओ, द्विज मंत्र कैश्च, ब्राह्मणों को बुलवा करके मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, अन्नदान द्रव्यदान वस्त्रदान गौदान करो, रंगोलियां डालो, बंदर मारे बनवाओ, ब्राह्मणों को न्योत करके आओ भोजन के लिए, कन्याओं को न्योता दे के आओ भोजन के लिए। मैया ने गोपियों को आज्ञा दी, जहां तहां सारी गोपियां अपने अपने काम में लग गईं। लाला के प्रथम जन्म दिवस पर खूब उत्सव, खूब आनंद मनाया जा रहा है। और उसी दिन कंस ने भेजा है सक्टासुर को। मैया ने प्रथम जन्मदिन है स्नान कराया, भगवान का अभिषेक कराया, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, स्नान करा के वस्त्र पहना के खूब साज श्रृंगार करके लाला को थपकियां दे करके गोद में सुलाया और पालने में लिटाया। अब मैया सोचे, ये पालना यदि यहाँ कक्ष में रखूंगी तो गोपियां तो सोने नहीं देंगी, इसलिए भगवान को मैया छकड़े के नीचे रखती हैं और उसी छकड़े के ऊपर दूध दही माखन से भरे भरे बड़े बड़े पात्र रखे हैं। सक्टासुर आया, सक्टासुर ने देखा तो सोच रहा है थोड़ा सा वजन बढ़ा के छकड़े पर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, कृष्ण दब करके मर जाएगा। और वो सोच ही रहा था, भगवान ने हाथ पैर चलाने प्रारंभ किए, चलाते चलाते एक लात भगवान ने छकड़े में मारी, छकड़ा पलट गया, सक्टासुर मारा गया, कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है सक्टासुर। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। समय बीतने पर तृणावर्त नाम का एक और राक्षस कंस ने भेजा है। तृणावर्त शांतरयो वात्यारूप धरो हरण, कृष्णम न भोगतो गन्तुम न सकनो भूरी भार भ्रत। जब तृणावर्त आया है तो ब्रज में खूब आंधी तूफान के साथ वायु के बवंडर के रूप में आया है। लाला को गोद में लेकर के मैया बैठी है। जब आंधी तूफान आया तो लाला को पालने में रख दिया, पालने से लाला को उठा करके आकाश में ले गया। भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाया, इसको लगा कि मैं अपने हाथ में किसी बालक को नहीं किसी पहाड़ को लिए हूँ। उसने भगवान को छोड़ दिया और सोच रहा है कि अपने आप मर जाएगा गिर के, छोड़ दिया है। पर भगवान का एक नियम है, भगवान कहते हैं कि भैया एक बार जो मुझे पकड़ लेता है वो तो मुझे शायद छोड़ दे, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है वो तो शायद मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। और गले ग्रहीत उत श्रष्टुम न शक्नोत अद्भुतार्हकम। और भगवान ने तृणावर्त का गला दबाया और तृणावर्त मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, तृणावर्त का भी वध कर दिया। भगवान ने सक्टासुर को मारा, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा। ये कंस के द्वारा अनेक राक्षस भेजे गए हैं, एक के बाद एक भगवान सबका वध करते हैं।